श्री वाहे गुरु जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी डंडौत बंधन अंकबार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास अनद सुनो वड पाकी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सुरे परम सत्कार योग गुरु रूप सत्संग जी आओ फतेह दी सांझ करिए गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगत विचार चल रहे सी मनुख की तलाश आदि काल तो यह है कि उसनु सुख मिले उसनु खुशी मिले उसनु आनंद मिले एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट इज इन सर्च ऑफ रियल हैप्पीनेस रियल जॉय असी जितने भी मनुखी फलसफे के सिद्धांत हैं उन्होंने पढ़िए उन्होंने वेखिए तो इस गल में कोई संदेह नहीं रह जाता कि असी सारे ही ये वेखते हैं कि हर थां सुख की गल है हर थां खुशी की गल है। जे धार्मिक ग्रंथों वेखिए इन अवर स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑल द फेथ्स वी फाइंड द फोकस इज द रियल हैप्पीनेस फॉर मैन। इफ वी ट्राई टू understand the political thought of various shapes, we will find every thinker, philosopher, political philosopher is talking of happiness, of pleasure, of satisfaction in this life. Jekar asi कम्युनिज्म सोशलिज्म की गल करिए दे क्लेम विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म पीपल कैन बी हैप्पी दे कैन लिव ए हैप्पी लाइफ इन दिस सिस्टम एंड व्हेन वी टॉक ऑफ कैपिटलिज्म जो असं सरमाएदारी की गल करते हैं दे आल्सो क्लेम दैट वी आर वर्किंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ मैन for the pleasures of life and all our schemes, all our plans, all our projects are focused with this thing in view. Sare hi theek lagde ne par na is system vich sukh hoya hai na us system vich sukh hoya hai. Manukh di talash jehdi hai oh qaim hai oh chaldi rahegi kyunki
असल सुख जेड़ा है इस तो बहुत दूर है, असल आनंद इस तो बहुत दूर है। सतगुरु जी ने, श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने आनंद नाम की बाणी विच सानू सच्चे सुख की, सच्चे आनंद की परिभाषा भी दिती है, उसकी प्राप्ति लिए मार्ग भी दर्शाया है कि किस रस्ते ते चल के मनुख जड़ा है सुख प्राप्त कर सकता है। इन एवरी पौड़ी, इन एवरी स्टेंजा यू विल फाइंड द एवोल्यूशन ऑफ दिस थॉट, व्हाट इज आनंद, हाउ इट कैन बी अटेन्ड, एंड व्हाट इज द रियल आनंद, व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस। बिफोर discussing all these bodies one by one, it will be interesting to know how in our ancient scriptures, ancient religious philosophies, this topic of anand has occurred and how it has been discussed in various ways. Sab to pehla I would like to talk about Vedas. असीं सारे सुनते हाँ कि चार वेद हैं जो सारे साढ़े पुराने ग्रंथ हैं, हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथ हैं। चारा वेदा के विच ऋग्वेद तो लैके अथर्ववेद तक चार वेद हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। चारा वेदा के विच जे गौर नाल वेखिए सानू पता लगेगा कि गल सुख दी कीती है। अते जितने वेद मंत्र ने, इट इज क्लेम दैट विद रिसाइटिंग डिफरेंट वेद मंत्रास वन कैन अटेन हैप्पीनेस, अचीव हैप्पीनेस। वेदा विच एक गल कीती, एंड देन कम टू शास्त्रास एंड उपनिषदास। उपनिषद जेहड़े हैं साढ़े ज्ञान के ग्रंथ हैं, संस्कृत में हैं, पर इन्होंने ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ते होर भाषावां में भी मिलते हैं। देर आर मोर दैन 100 उपनिषदास, फेमस उपनिषदास, प्रिंसिपल उपनिषदास, एंड दिस आइडिया ऑफ आनंद हैज बीन एलैबोरेटली एक्सप्लेन एंड डिस्कस्ड इन द उपनिषदास। देर इज वन तैतरीय उपनिषद। तैतरीय उपनिषद दे विच एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल आया है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। वो ये है कि ये जो जीव है, दिस ह्यूमन, एवरी क्रीचर ऑफ दिस क्रिएशन इज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। एंड तैतरीय उपनिषद सेज देयर आर 5 स्टेजेस ही क्रॉसेस टू अचीव हिज गोल, टू गो टू द डेस्टिनेशन, टू रीच द डेस्टिनेशन। द फर्स्ट वन इज अन्न मई कोश। वी ऑल नो अन्न इज फूड। एट फर्स्ट स्टेज दिस जीव इज इन सर्च ऑफ फूड, खांदा है ते ये उम्मीद करता है कि खान विचों ही सब कुछ मिल जाएगा, पर वो मिलता नहीं है। देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि खान नाल नहीं, प्राण की साधना के नाल, श्वास की साधना के नाल ये सुख मिल सकता है। दैट इज नोन एज प्राणमय कोश। एंड द थर्ड स्टेज इज मनोमय कोश। He concentrates on mind. कि मन जेड़ा है इटका विच आवे तां सुख मिलेगा, लगा रहिंदा है, पर उदे विच भी मिलदा है। The last one is, fourth one is विज्ञान में कोश, that is intellectual exercises, बुद्धि। जिस वेले बुद्धि की प्राप्ति होएगी, बुद्धि इनू आएगी, ज्ञान आएगा, उस वेले ये आनंद वधेगा,
And last of all is Anandamayi Kosh, the stage of real happiness, the stage of real bliss, the stage of real comfort. This is the evolution of the thought, and this is just like a spiritual journey for going to find a destination, find a goal. Sadhguru ji ne, Guru Nanak Dev ji Maharaj ne, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੇ ਨਾਥ ਬਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन यह जी व्याख्या है यह बिल्कुल निवेकली किस्म की है, जो उपनिषद के ख्याल हैं उन्हां तो भी अगे गई है कि सच्चा आनंद मिलेगा किवें, सच्चे आनंद की प्राप्ति किवें होए, और सानू सचखंड की अवस्था तक लै गए हैं जिस दे विच आनंद ही आनंद है, नदरी नदर निहाल हुंदा है जी। इस तरह सब गुरु नानक साहब जी का मत है। योगियों विच भी योगा सिस्टम ऑफ फिलोसफी सभी सारे अजकल योग बड़ा प्रसिद्ध है। योगी भी कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति का एक साधन है, एंड दैट एजेंट ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस इज द कंट्रोलिंग ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वास को असीं किवें कंट्रोल करिए, तो उस श्वास के कंट्रोल लई किस तरीके दिया एक्सरसाइजेस करिए कि साडा श्वास जिहड़ा है वह उपर दसम द्वार तक जाए। वैन इट गोज टू द टेंथ स्टेज दसम द्वार, दैन इट इंजॉयज ए स्पैशल काइंड ऑफ हैप्पीनैस। ये कहा जाता है कि एक रस है दैट ड्रॉप बाई ड्रॉप कम्स टू द योगी एंड ही इंजॉयज इट। फॉर हिम दिस इज द रियल आनंद, दिस इज द ब्लिस। सतगुरु जी हैज रिजेक्टेड दिस फिलोसफी ऑल्सो। The Bani of Guru Granth Sahib Ji reflects on all these philosophies and come to a result, come to a conclusion, what is the real happiness and how this human, this common man can find happiness without practicing austerity or so many exercises. एक सवाल एक आया सी मेरे सामने, एक वीर ने पिछली बार किया सी कि आनंद साहब की जिहड़ी बाणी है वह बाणी एक कहा जाता है कि गुरु अमरदास जी ने उदों रची जदों उन्होंने ग्रह विखे उन्होंने पड़पोते का जन्म होया। पड़पोते का नाम आनंद रखा गया सी, तो सतगुरु जी ने उस समय यह बाणी उच्चारण की। बहुत सारिया पुस्तकों में भी यह गल लिखी हुई है, साखी लिखी हुई है, पर मेरे विचार में यह कहना गलत है क्योंकि बाणी स्पिरिचुअल है। बाणी किसी संसारिक आनंद के नाल जोड़ के इस तरह नहीं वेखनी चाहिए। हाँ यह तो कहा जा सकता है और यह है भी ठीक कि जदों ग्रह विखे पड़पोते की खुशी मिली है, वाहगुरु ने खुशी दिती है, तो सतगुरु जी ने उस वेले इस बाणी का पाठ जरूर किया होगा क्योंकि यह बाणी गुरु अमरदास जी तो टाइम तो ही हर वेले खुशी के मंगलमय समागम से दूसरे समागमों के भी यह पढ़ी जाती है, हूँ तक भी पढ़ी जाती। इस करके इस साखी के कोई बहुते अर्थ नहीं। बाबा आनंद जी गुरु अमरदास जी के पड़पोते सन, बाबा मोहरी जी उन्होंने पुत्र सन, बाबा मोहरी जी के पुत्र बाबा सुंदर जी सन, बाबा सुंदर जी के पुत्र बाबा आनंद जी सन। एक होर ही बड़ी खूबसूरत गल हुई है इन गुरु ग्रंथ साहिब, वैन गुरु अर्जन देव जी वाज एडिटिंग दिस ग्रेट स्क्रिप्चर, दिस ग्रेट होली बुक, ही हैज डन ए मार्वलस वर्क दैट वैन वी फिनिश द बाणी ऑफ आनंद इन गुरु ग्रंथ साहिब from pages 917 917 to 922 tak
6 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਤ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਬਾਣੀ, ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਵਾਜ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਜ ਲਿਵਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਹੀ ਕਾਲਡ ਆਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਗਿਵ ਸਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਲੀਵ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਆਫਟਰ ਮੀ ਡੋ ਕੀਰਤਨ, ਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਇਓ ਨਾ। ਨੋ ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਵੀਪ ਵੈਨ ਆਈ ਲੀਵ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਈ ਜਿਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਨ, ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹਿਮ ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਔਨਵਰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੈਡਨੈਸ ਐਂਡ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਪਲੇਅਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਖ ਅਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਆਨੰਦ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਬਲਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸੁੱਖ ਆਲਸੋ। ਸੁਖਮਣੀ, ਸੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਠ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ,
सुखमणि साहब लिखिए। सो कह तो भाव यह है कि सुख जां आनंद ये शब्द हैं, ये भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी में इसके बड़े ही इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, ब्लिस भी क्या है, प्लेजर भी क्या है, कंफर्ट भी क्या है, अनेक ही दिए हैं, तो एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी चुक के देख लो। लेकिन मतलब यह है कि आनंद केड़ा है, सच्चा आनंद केड़ा है, सच्चा सुख केड़ा है। जय जय सबद अनाह दवाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ का जय। दिस इज सुखमणि। सुखमणि विच सतगुरु जी आनंद की गल कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बाणी विच गुरु नानक साहब जी की बाणी जपजी तो लैके अखीर तक जो विचार है वो आनंद ते सुख की इको ही अर्थ विच कीती गई है। होर भी अनेक शब्द वरते गए हैं, कई बार समझाने वास्ते जिहड़ा सुख है उसनों महासुख भी किया है, उस तो उपर कोई सुख नहीं, महा आनंद भी किया है, ब्रह्म आनंद भी किया है। ब्रह्म मैंने गौर वाहिगुरु, वाहिगुरु के नाल जुड़न वाली अवस्था का जिहड़ा आनंद है, इस तरह परम आनंद भी किया है, सब तो उच्चा आनंद। सो देर आर वेरिएशन दैट आनंद एट द वर्ल्डली लैवल एंड आनंद एट द हैवनली लैवल स्पिरिचुअल लैवल। ये डिफरेंशिएट सतगुरु जी ने सानू करना सिखाया है बाणी के राही, ये चीज़ साढ़े सामने आई है। एक चीज होर जिहड़ी मैं योग मत दी है वह भी करांगा, क्योंकि आनंद साहब के सतगुरु जी ने इन्हें सारे बैकग्राउंड के तौर पर लिया है, तो सानू समझाया है कि उन्होंने विचार की है। योग के कहा जाता है कि वह जिस वे योगी आफ्टर डूइंग प्राणायाम कंट्रोलिंग हिज ब्रैथ रीचिज इन द स्टेज ऑफ दसम द्वार, दैन ही एंजॉयज आनंद, एंड देर आर सो मैनी सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विच ही इंजॉयज, जिन्होंने अनाहद शब्द क्या है, अनहद शब्द, सम साउंड्स क्रिएटेड विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज अनहद एंड दैट इज कंटीन्यूअस, वो खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है, योगी उन्हें इंजॉय करता रहता है, सुनता रहता है। योगियों के चार स्टेजेस हैं, सब तो पहली स्टेज जी है वो है समाधि, जो अस मैडीटेशन कहने, योगा के मैडीटेशन है। Meditation, they say this is the first stage when one learns how to concentrate on something. Or is tarah de kai exercises dittiyan hoyiyan han ke samne nak hai to nak de sir de vich dekho te utthe apni nazar tikao, is tarah de kai prakar diyan hor practices dassiyan ne yoga walean nu. ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਮਾਧੀ ਦੈਨ ਕਮਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸਾਧਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਅੱਠ ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਵਿਭੂਤੀ ਪਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭੂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭੂਤੀ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਮਿਰੇਕਲਸ, ਉਹ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਿੱਧੀ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰਮਾਤ ਹੈ, ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਕੇਵਲੀ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਤ,
सतनाम गुरु साहब ने भी लिखा है सत सत मीन्स द रियल थिंग द ट्रूथ दूसरा है चित कॉन्शियसनेस चेतना एंड थर्ड वन इज आनंद ए प्रभु दे तीन एट्रीब्यूट सन ए प्राचीन ग्रंथा में आया है इन्होंने तिना रला के सत चित आनंद सच का आनंद भी कहा जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब लिखे है सदा सच दानंद सतरंग परनासी कुरीमल कुनिंदा समस्तल निवासी तो ये सच का आनंद जोड़ा है एक तरह प्रभु के एट्रीब्यूट दसन वास्ते है इस तरह दिया अनेक फिलासफी जड़िया ने साडे बैकग्राउंड दे विच हन जिस वेले असी आनंद की गल करनी है क्योंकि गुरु अमरदास जी वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ग्रेट थिंकर बाणी विच जितना प्राचीन साहित्य है प्राचीन स्क्रिप्चर्स हन जिन्नी व्याख्या उन्होंने विस्तार नाल कीती है होर किसी व्यक्ति ने नहीं कीती और उहदी जो अगवाई है वह गुरु नानक देव जी महाराज तो जपजी तो ही मिलनी शुरू हो गई सी ते पंज खंडा दी जो व्याख्या गुरु साहब ने कीती है एक्चुअली वह आनंद वल वधन दी ही अवस्था है ते आनंद वल ही जीव ने जाना है वह कितों शुरू होंदी है धर्म खंड तो शुरू होंदी है कि इस संसार विच रह के किस तरीके नाल मनुख जिहड़ा है वह अपनी ड्यूटी करता है कर्तव्य करता है उन्हें किस तरह का कर्तव्य करना चाहिए दैट इज धर्म खंड एंड इस तरह ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचार तिथे नाथ नोक अकोर रहना इस तरह ही संत खंड की बाणी रूप तिथे कारत घड़िए बहुत वड़ू करण खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर इस तरह ही सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल उस अवस्था में जाके सच खंड की अवस्था में जाके जेड़ा जीव है ये नदर निहाल निहाल is another word for anand it's a synonym oda oh hi equivalent hai ke nihar jis vele banda ho jaye jeev ho jaye samjho oh vaheguru nu mil gaya us nu jeevan da adarsh mil gaya usne jeevan nu prapt kar liya hai oda jo nishana us prabhu ne mithya si is sansar vich aake usne is di prapti kar li hai eh han kuch background jehdi anand di philosophy nu samjhan vaste सन बहुत ही समझ होनी चाहिए है क्योंकि हर पौड़ी में कि ना कि इन्हों का हवाला आएगा तो उस हवाले के अनुसार ही असी अगे वधा एक चीज़ होर जी है आई शुड मेक इट क्लीयर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्द वरत्या है सहज सहज की अकथ कथा है निराली महाराज जी बाणी में कहते हैं सहज की है सहज असी कह देंगे हाँ आम जीवन में सहज जो आराम नाल ही हो जाए स्टेडफास्टनेस टिकाव मन के जिस वे आता है वो अवस्था जी है आनंद की है महाराज जी कहते हैं सहज की अकथ कथा है निराली निवेकली है अजीब किस्म की है अकथ है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन अनएक्सप्लेनेबल इस तरह ही असी यह भी समझना है कि बाणी दे विच ते बाकी दे शब्द आए हैं चाहे परम आनंद आया होवे चाहे परम आनंद आया होवे चाहे ब्रह्म आनंद आया होवे चाहे महासुख आया होवे ये सारे ही शब्द जड़े ने ये आनंद की फिलासफी नू गुरु साहब की आनंद की फिलासफी नू डिपिक्ट करते हैं पर इहदे नाल ही ये भी है कि जे केवल आनंद आया होवे ते फिर भी उस वड्डे उस महाआनंद की गल हो रही है जे केवल सुख आया है फिर भी महासुख की गल हो रही है क्योंकि बाणी का मनोरथ जिहड़ा है जिहड़ा जीव का अल्टीमेट गोल है उत्थों तक पहुँचाना है इस करके बाणी दे विच सारी बाणी दे विच एक वड्डा टॉपिक है दिस इज द ग्रेटेस्ट थीम इन गुरबाणी के हाउ टू अटेन हैप्पीनेस और टू गैट द रियल आनंद हाउ टू बी हैप्पी हाउ टू गैट रियल जॉय हाउ टू गैट रियल प्लेयर उहदे विच सतगुरु जी ने बड़ी निखेड़ किया है असीं अगे चल के विचार करांगे कि किवें कहड़ियां कहड़ियां चीज़ां आनंद वालियां हन गुरु नानक साहब एक शब्द है बहुत ही खूबसूरत शब्द है उहदे विच सारा कुछ उन्होंने बयान कर दिता है उहदी हर लाइन जिहड़ी है
बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़ी आए मन में चले विकार। खाने खाते हाँ असं खाने चो खुशी लगते हैं, महाराज कहते हैं वह चीज़ा खाने का कोई फायदा नहीं जिहड़ा खा के जित खादे तन पीड़ी है जिहदे नाल शरीर में पीड़ हो बीमारी लग जाए। हुण असीं किन्ने कॉन्शियस हाँ कि कोलेस्ट्रॉल है फलाना है ये है वो नहीं सी पहला लोग कई बार नहीं सी कर हुण भी नहीं कर वो खाना नहीं ठीक जिहदे नाल शरीर के अंदर पीड़ होवे तकलीफ होवे बीमारी होवे और मन में चले विकार अते मन दे विच बुरे विचार आउण माड़ियां गल्लां आउण वो खाना ठीक नहीं। इस तरह शब्द दीआं अगलियां पंक्तियां विच महाराज जी ने पहनना की है वो पहनना चंगा नहीं जिहदे नाल शरीर नूं पीड़ होवे अते मन दे विच विकार आउण वो चढ़ना सवारी करनी द राइड वट राइट आई शुड टेक वो राइड नहीं करना जिहदे नाल मन दे विच विकार आउण और तन नूं शरीर नूं तकलीफ होवे। इक्को शब्द विच महाराज ने बड़ी खूबसूरत व्याख्या कीती है उहदे बारे भी असीं विचार करांगे। सो इह कुछ गल्लां बैकग्राउंड दीआं सन और मैं समझदा सी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो वट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द फिलोसफी ऑफ आनंद। हुण असीं अगले हफ्ते तो पौड़ी वार विचार करांगे जिहड़ी इस गल दे नाल शुरू होएगी जिवें पिछली वार जिक्र भी कर रहा सी सतगुरु में पाया आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु जिस वेले मिलता है उस वेले आनंद मिलता है, आनंद मिलना गुरु तो बिना नहीं मिल सकता। तो सतगुरु जी सानू जो जो दस रहे हैं उहदे ते असीं विचार करांगे। सतगुरु कृपा करन असीं इन्हां विचारां नूं समझिए भी और साडे जीवन का आधार भी बन सकन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।